अस्सलाम वालेकुम एडवांस क्लास, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। एडवांस क्लास, आज आपका साइंस का लेक्चर नंबर 12 है। सब बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कर लें। आज हम लेक्चर नंबर 12 में यूनिट नंबर 5 की रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 5 में हमारा टॉपिक है बर्ड्स, यानी परिंदे। पहले हमने लेक्चर 3 में फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था, फिर लेक्चर 4 में वेजिटेबल्स के बारे में, और आज यूनिट 4 में हमने वेजिटेबल्स के बारे में, आज हम यूनिट 5 में बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यूनिट 5 बर्ड्स, पेज नंबर 15। ये सामने आप, ये किसकी पिक्चर है आपको पता है? ये क्या है? PEAPCOCK, कॉक, पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। ये मोर बना हुआ है आपके सामने आपकी बुक पे, ठीक है? आज हम बर्ड्स के बारे में रीड करने लगे हैं। पेज नंबर 16 ओपन कर लें सब बच्चे। जी, पेज नंबर 16। जी एडवांस क्लास, सबसे पहले आपने अपनी बुक पे डेट और डे लाजमी मेंशन किया करें। जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, डेट डे उसमें लाजमी मेंशन किया करें। आज डे है, डेट है 16/06/2020, सी ए क्लास असाइनमेंट, और डे है टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे, ठीक है? पेज नंबर 16, बर्ड्स। बर्ड्स किसको कहते हैं आपको पता है? एडवांस क्लास, आप देखते हैं ना बाहर बर्ड्स उड़ रही होती हैं। जो उड़ने वाले होते हैं जानदार, लिविंग थिंग्स, वो बर्ड्स में शामिल हैं, ठीक है? जितने लिविंग थिंग्स एनिमल्स में जो उड़ते हैं वो एनिमल्स बर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है? अब बर्ड्स में क्या खसूसियात होती हैं, वो बर्ड्स क्यों कहलाते हैं, ये हम पढ़ते हैं आज इस टॉपिक में। BIRDS, बर्ड्स। ARER, बर्ड्स आर। ANIMALS, एनिमल्स। बर्ड्स आर एनिमल्स। THAT, दैट। HAVE, हैव। WINGS, विंग्स। TO2, FLY, फ्लाई। बर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव विंग्स टू फ्लाई, मीन्स ये विंग्स किसको कहते हैं, ये जो बर्ड्स के पर होते हैं जिनकी मदद से वो फ्लाई करते हैं यानी उड़ते हैं, ठीक है? बर्ड्स वो एनिमल्स हैं, वो जानवर हैं जिनके विंग्स होते हैं। विंग्स मीन्स ये पर होते हैं, ये वाले पर होते हैं जिनकी मदद से वो फ्लाई करते हैं, ठीक है? बर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स वो एनिमल्स हैं, जानवर हैं जिनके पर हैं जो उनको उड़ाते हैं, उड़ने के लिए उनके पर मौजूद है उनके जिस्म में, ठीक है? THE, द BODY, बॉडी। बॉडी मीन्स जिस्म। OF, ऑफ। अ BIRD, बर्ड। IS, इज। COVERED, कवर्ड। कवर्ड मीन्स ढका होना, ठीक है? WITH, वेव। FEATHERS, फीदर्स। FEATHERS, फीदर्स। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विद फीदर्स। बॉडी ऑफ अ बर्ड मीन्स परिंदे जो होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, जिस्म होता है। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड, ढका हुआ होता है, छुपा हुआ होता है विद फीदर्स, उनके बालों से। आपके पास, आप घर में कोई बर्ड है, पैरट हो, पैरट तो आप लोगों ने देखा हुआ है ना, उसके पूरे जिस्म पे उसके ग्रीन कलर के बाल होते हैं जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है वो हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि उन ग्रीन कलर के जो उनके उसके बाल होते हैं छोटे छोटे, वो उनकी उसकी वजह से उसके सारा बॉडी जो है वो कवर्ड होती है, छुपी हुई होती है, ठीक है? कवर्ड होती है। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ कवर्ड विद फीदर्स। अ BIRD, बर्ड। HAS, हैज़। अ SHARP, शार्प। शार्प मीन्स तेज। SHARP, शार्प। शार्प मीन्स तेज। BEAK, बीक। बीक किसको कहते हैं? ये जो बर्ड्स की आगे से ये चोंच होती है, चोंच, ठीक है? ये क्या कहलाती है? बीक।
बर्ड्स की चोंच जो है वो बीक कहलाती है. एंड CLAWS क्लॉज, क्लॉज मीन्स उनके पंजे. उनके हाथ तो नहीं होते हैं ना, पाँव तो नहीं होते हैं सॉरी, तो वो पाँव उनके जो होते हैं ये उनके पाँव में ये जो उनके ये नोकीले नोकीले होते हैं पाँव, उनकी 3 fingers होती है ना उनके पाँव की, तो वो उनके पंजे कहलाते हैं. ठीक है. अ बर्ड हैज़ अ शार्प बीक एंड क्लॉज. परिंदों की क्या होती है, शार्प बीक होती है मतलब तेज़ चोंच होती है और क्लॉज होते हैं. क्लॉज मीन्स पंजे. दोबारा से रीड करते हैं. बर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव विंग्स टू फ्लाई. बर्ड्स वो जानवर हैं जिनके पर होते हैं उड़ने के लिए. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ कवर्ड विथ फीदर्स. बर्ड्स की जो बॉडी होती है, जिस्म होता है, वो ढका हुआ होता है फीदर्स से, उनके छोटे छोटे जो बॉडी पे बाल होते हैं उससे. अ बर्ड हैज़ अ शार्प बीक एंड क्लॉज. परिंदों की तेज़ चोंच और पंजे होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ये चंद बर्ड्स की पिक्चर्स दी हुई हैं. ये कौन सी बर्ड है, SESCGULL गर्ल, सीगल, सीगल, SESCGULL गर्ल, सीगल. नेक्स्ट है EAGLE ईगल, ईगल. नेक्स्ट है WOOD वुड, PECKER पैकर, वुड पैकर. WOOD वुड, PECKER पैकर, वुड पैकर. नंबर फोर्थ है DUCK डक. डक का आप लोगों ने सबने देखी हुई होगी, DUCK डक. नेक्स्ट ये वाला बर्ड भी आपने सबने देखा हुआ होगा ना, PARROT पैरेट, PARROT पैरेट. ये नेक्स्ट OSTRICH ऑस्ट्रिच, OSTRICH ऑस्ट्रिच. ठीक है. एडवांस क्लास पेज नंबर 16 की आप लोगों ने घर में भी इसको बार बार रीड आउट करना है, ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जैसे ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, अगर आपको नहीं रीड आउट करने आ रहे तो आप अपनी मम्मा या पापा के पास बैठ के बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से इनकी रीडिंग आ जाएगी. ओके एडवांस क्लास, आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ. उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.